जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल इंडियन फिजिकल एकेडमी में। तो कल आपको एक वीडियो मिला था जिसके अंदर गर्ल्स का जो मामला है हाई कोर्ट तक पहुंच गया। उसके बाद बहुत सारे भाई लोगों का कमेंट आया, उसके बाद कॉल भी आया। अब देखो कुछ भाई लोग उसके अंदर कमेंट कर रहे हैं कि सर आप उसके अंदर सपोर्ट नहीं कर रहे। तो भाई लोग मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, बात सपोर्ट की नहीं है, बात इतना सा है जिन भाई का सिलेक्शन हो गया, गर्ल्स का सिलेक्शन हो गया, ठीक है, और उनका सिलेक्शन हो गया तो उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत सारे बच्चे इसी बात को लेकर कंफ्यूज है, रिजल्ट रिवाइज तो नहीं होगा या कुछ चेंज तो नहीं होगा। तो जहां तक मुझे पता है आपका रिजल्ट रिवाइज नहीं होगा, जिनका सिलेक्शन हो गया है उनका सिलेक्शन हो गया है फाइनली, आप ये समझ के चलिए, और जल्द ही आपका मेडिकल स्टार्ट होगा। हालांकि जो ये प्रोसेस गई है कोर्ट के अंदर, इससे आपका मेडिकल डिले जरूर हो सकता है, लेट हो सकता है, बट रिजल्ट के अंदर आपका कुछ भी चेंज नहीं होगा। आपको ऐसा लग रहा है रिजल्ट दोबारा आएगा तो ऐसा नहीं होगा हमारा सिलेक्शन हो गया नहीं, तो रिजल्ट में ऐसा कुछ भी चेंज नहीं होगा जहां तक मुझे पता है। बाकी गर्ल्स के लिए हो सकता है कुछ बेनिफिट की जिन गर्ल्स का सिलेक्शन नहीं हुआ किसी कारणवश, क्योंकि 9900 मतलब लगभग अराउंड 10,000 गर्ल्स को वहां पर फिजिकल के लिए बुलाना था, बट उन्होंने 2,000 से 3,000 गर्ल्स को फिजिकल के लिए बुलाया था। तो वो कारण PHQ को बताना है हाई कोर्ट को कि आपने ऐसा क्यों किया, उसका क्लियर होने के बाद ही हो सकता है आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। बाकी रिजल्ट के अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है रिजल्ट चेंज होगा रिवाइज होगा, सर ऐसा नहीं हो हमारा सिलेक्शन हो गया नहीं, तो जिनका सिलेक्शन हो गया उनको जहां तक मुझे पता है कुछ भी प्रॉब्लम वहां पर नहीं होगी। आपका सिलेक्शन हो गया मतलब आपका मेडिकल होगा और फाइनली आप पुलिस बन जाएंगे। हाँ, लेट जरूर हो सकते हैं, क्योंकि लेट इसलिए हो सकते हैं कि जो कोर्ट तक मामला पहुंचा है उसके चक्कर में आपका मेडिकल वहां पर लेट हो सकता है, और लेट ज्यादा भी मेडिकल नहीं होगा। अगर PHQ ने उनको कारण बता दिया तो बहुत जल्द आपका मेडिकल हो जाएगा, और अगर कुछ प्रोसेस रुकी भी है तो उन जिन जो प्रोसेस चल रही है, जैसे किसी ने स्टे लगाया है या किसी ने केस लगाया, उनका जो है चलता रहेगा, और जब तक कोर्ट से कुछ सारी चीज क्लियर नहीं होगी तब तक। बाकी जिनका सिलेक्शन हो गया है इनको बहुत जल्द मेडिकल के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा, तो आप सभी लोग तैयार है और ये चीज अपने दिमाग से निकाल दे कि रिजल्ट रिवाइज हो सकता है। तो मैंने जहां तक पता किया रिजल्ट रिवाइज नहीं होगा, जिनका सिलेक्शन हो गया है फाइनली वो अंदर ही रहेंगे, गर्ल्स हो या बॉयज। बाकी हाँ, गर्ल्स को बेनिफिट ये जरूर हो सकता है कि जिनका सिलेक्शन किसी कारणवश नहीं किया गया, जिनको नंबर ज्यादा है, उनका वहां पर सिलेक्शन होने की संभावना बन रही है। और दूसरी चीज, रोजगार पंजीयन वाले जो बॉयज है, जिनको मैंने मतलब एकेडमी से 4 से 5 बॉयज है जिनका रोजगार पंजीयन कारण बाहर कर दिया गया, तो उनको भी वहां पर बेनिफिट मिल जाएगा। अभी नहीं, आगे आपको बेनिफिट मिलेगा, और 100% जो भी कोर्ट फैसला सुनाएगा आपके पक्ष में, क्योंकि आपको उस टाइम बोला गया था PHQ या PTC में जहाँ पर आपका फिजिकल चल रहा था कि आपको रोजगार पंजीयन बाद में भी दे सकते हैं, या जो भी उसके अंदर एक्सपायर हो गया था या आपने रिन्यू करवाया था, तो बाद में सारी चीज आपको करने का बोला गया था, बट फिर भी आपको बाहर कर दिया गया, तो फाइनली वो चीज भी आपके पक्ष में रहेगी। और जिनको रोजगार पंजीयन के चक्कर में बाहर किया गया उनको भी कहीं ना कहीं यहाँ पर राहत मिल सकती है। तो फाइनली आप एक बात ध्यान में रखिए, आपका रिजल्ट रिवाइज नहीं होगा, जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका सिलेक्शन 100% आखिरी तक रहेगा, कुछ भी चेंज उसके अंदर नहीं होगा। हाँ, बाकी जिनका किसी कारणवश नहीं हुआ, जिनने केस लगाया जो भी आपने किया है, उनको वहां पर जरूर बेनिफिट मिल सकता है। और जो आपकी प्रोसेस है, जो ये गर्ल्स का मामला हाईकोर्ट के अंदर पहुंचा है, इसलिए हो सकता है आपका मेडिकल थोड़ा लेट हो। बाकी फाइनल ये है कि आपको मेडिकल तक जाना है, तो आप अभी से अपना आपको कंप्लीट कर लीजिए। कुछ भाई लोगों ने बोला सर हम आपका ऑपरेशन करवा लें क्या, टाइम है क्या, तो मैं आपको टाइम फिक्स नहीं बता सकता। बाकी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको करवाना है या आपको जरूरी है तो आप करवा लीजिए, फिलहाल फिर भी 8-10 दिन आपको वहां पर मिल जाएंगे। बाकी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बेनिफिट है उसको आँख का ऑपरेशन करवाने में तो आप करवा सकते हैं। बाकी ऐसा दिन मैं आपको फिक्स नहीं बता सकता कितने दिन आपको मिल जाएंगे। बाकी हाँ, एक अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जब तक कोर्ट आदेश नहीं देगा तब तक हो सकता है भर्ती आपकी कुछ टाइम के लिए रुकी रहेगी, आपका मेडिकल तब तक आपको कॉल लेटर नहीं आएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि भर्ती प्रक्रिया भी चलती रहे और साथ में आपका जो है PHQ और कोर्ट का मामला भी चलता रहे, तो दोनों चीजें हो सकती है। तो आप तो तैयार रहिए, दोनों कंडीशन में आपको फाइनली मेडिकल तक जाना है और आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, ये दिमाग से आप बिल्कुल निकाल दें कि रिजल्ट रिवाइज होगा, रिजल्ट रिवाइज नहीं होगा, फाइनली जिनका सिलेक्शन है वो अंदर ही रहेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगे ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करना इसको, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर, आप वीडियो देखते हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे ही आपकी MP पुलिस या MPSI रिलेटेड हर एग्जाम की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।